स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने चैनल गुरबिंदर होम पर। दोस्तों आज जो आप घर देखने जा रहे हो एक यूनिक डिज़ाइन वाला डबल स्टोरी इंडिपेंडेंट विला आपको मिलने वाला है जो कि चंडीगढ़ के बेहद पास है और एक ऐसी लोकेशन जहां पे हर तरह की चीज़ें आपको घर के आसपास मिलने वाली हैं और एक गेटेड सोसाइटी रहेगी ताकि सिक्योरिटी भी आपकी बनी रहे। तो दोस्तों सारी बातें करते हैं हम चलते चलते क्योंकि वीडियो लंबी बनने वाली है, तो शुरू करते हैं वीडियो आज की। तो दोस्तों ठीक है, आपके सामने आपका घर जो कि 22 फीट का फ्रंट है और 45 फीट की जो है डेप्थ रहने वाली है, तो टोटल 110 गज के अंदर है, डबल स्टोरी है और एक अच्छे आर्किटेक्ट माइंड के साथ इसको डिज़ाइन किया गया है जो आपको देखते देखते समझ आ जाएगा। तो दोस्तों अगर मैं इसके ऊपर की तरफ जो जाता हूँ तो यहाँ पे आपको बालकनी नज़र आ रही है, स्टेनलेस स्टील के साथ आपको ग्लास नज़र आएगा। बालकनी का साइज़ थोड़ा सा बड़ा हमने किया है, प्लस ऊपर और नीचे जितना भी आप कलर देखेंगे बिल्कुल काफ़ी लाइट कलर्स यहाँ पर यूज़ किए गए हैं और कंट्रास्ट के अंदर सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, मैचिंग चीज़ें आपको हर जगह मिलेंगी चाहे वो अंदर हो या फिर बाहर हो। तो बड़ा सा एक गेट है जो कि काफ़ी अच्छी हाइट के साथ है, लाइट कलर हमने इसका रखा हुआ है, दोनों तरफ पिलर्स है जहाँ पे लैंप आपको लगे हुए मिलेंगे। इसके अलावा हमने जो साइड पे या रेलिंग लगाई है वो भी सेम इसके साथ की लगाई है, चाहते तो हम वॉल ऊपर करते ना लगाते तो भी चल पड़ता लेकिन हमने लगाई है। और ठीक है ऊपर आप देखेंगे तो आपको पिलर्स भी नज़र आएंगे, प्लस आपको एक अच्छा लाइट्स जो है एक अच्छे बे के साथ यहाँ डिज़ाइन किए हैं, और वहीं आपको राइट साइड पे भी सॉरी लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे डिज़ाइन जो है वो सीएनसी कटिंग के साथ आपको फाइबर प्लास्टिक आपको मिल जाएगा। तो चीज़ें जो है वो सारी बड़े अच्छे वे के साथ यहाँ पर डिज़ाइन किए हैं, लाइट कलर भी हैं, प्लास्टर को हो चाहे उसके ऊपर डिज़ाइन आपको मिलेगा, चाहे आपके रूम्स की वॉल हो वहाँ पर आपको डिज़ाइन मिलेगा। तो चीज़ों को सिंपल रखने के साथ साथ एक अच्छी लुक्स यहाँ पर पूरी आपको मिलने वाली हैं। तो आप जैसे फ्रंट वॉल को देखते हैं इसके साथ ही आपको छोटी सी ग्रीनरी हमने मेंटेन की है, और आप जब फ्रंट पे आते हैं तो आपको एक अच्छी अलग ही लुक आपको अपने घर की मिलने लगती है। तो चलिए थोड़ा सा अंदर की तरफ बढ़ते हैं और अंदर की तरफ देखते हैं। तो मेन एंट्रेंस डोर जो कि हमारा आयरन का है ओपन करते हैं तो हमारे पास एक अच्छी प्रॉपर पार्किंग हमें मिलती है जो कि ग्रेनाइट की है, और यहीं पर हम ऊपर की तरफ नज़र घुमाते हैं तो आपको कंसील लैंप्स का एक अच्छी लाइट यहाँ पर नज़र आएगी, और ये जब शाम को हम देखते हैं तो इसकी जो लुक है वो और भी अच्छी नज़र आती है। और ठीक है हमने जो है स्टेयर्स को बाहर रखा, और इसके अलावा जब इस तरफ हम देखते हैं तो टू व्हीलर की पार्किंग आपको मिलेगी, प्लस बड़ी सी खिड़की जो हमारी अंदर सनलाइट देगी, और यहाँ पर टाइल वर्क आपको पूरा फ्रंट में मिल जाएगा, लाइट और डार्क शेड थोड़ा सा आपको मिलेगा यहाँ पर, लेकिन एक अच्छी लुक आपके घर की देती है वो आप आराम से यहाँ पर देख के समझ आ जाएगा आपको। और दोस्तों एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जो चीज़ें अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो जब आप खुद सामने से आकर इसको देखते हो तो आपको अच्छे से अंदाज़ा होता है कि ये जो चीज़ है वो एक अलग ही तरीके से डिज़ाइन की गई है। और स्टेज बाहर से हैं ताकि रेंट आउट कर सके, नीचे स्लेंडर का जगह आपको मिल गई है, थोड़ी सी स्टोरेज है, यहाँ पर मोटर भी लगा सकते हैं, और प्लस आसपास के घर सारे बन चुके हैं, ये मैं आगे आपको फिर से दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा मेन एंट्रेंस डोर जो कि वायर मैश है, ब्राउन कलर चॉकलेट कलर के साथ इसको डिज़ाइन दिया गया है, और एक बड़ा सा 8 फीट का दरवाज़ा हमें यहाँ पर मिल जाता है, तो लुक्स उसकी काफ़ी अच्छी है, यहीं से समझ आ जाता है। तो इसको चलिए ओपन करते हैं और अंदर की तरफ भी हम देखते हैं कैसा है क्या नहीं है। तो इसे ओपन करते ही हमारे पास जो है हमारा मेन एंट्रेंस डोर आया था जो कि हमारा फ्लश डोर रहने वाला है, और एक अच्छा डिज़ाइन यहाँ पर पूरा मिलेगा। अगेन जो कलर है यहाँ पर पूरा चॉकलेट ही दिया गया है, सारे दरवाजे जितने रहेंगे खिड़कियाँ रहेंगे वो सारी इसी कलर के अंदर आपको मिलने वाली हैं, तो मेंटेनेंस कम रहती है। तो जैसे इसे ओपन करते हैं तो हम सीधा पहुँचते हैं अपने ड्राॅइंग और डाइनिंग एरिया के अंदर। तो काफ़ी बड़ा ड्राॅइंग एरिया हमें मिल जाता है 110 गज के लिहाज से, बिल्कुल 20 फीट की आपकी लेंथ रहेगी और 11 फीट की आपकी विड्थ रहेगी, जहाँ पे एक शानदार वॉल है 20 फीट की, ऊपर सीलिंग बड़ी सी आपको मिल जाएगी कंसील लैंप्स के साथ, एक बड़ी सी खिड़की जहाँ पे सारा टाइम लाइट आपके घर के अंदर पूरी प्रॉपर आएगी और वेंटिलेशन पूरा घर के अंदर बना रहेगा। और जब आप घर को इस तरफ से देखते हैं तो हमारे पास जो है स्पेस यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी मिल जाती है, ईजिली स्पेस के अंदर आप जो है सोफ़ा और डाइनिंग टेबल दोनों बड़े आराम से लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसा नहीं रहेगा कि चलते वक्त एक चीज़ का आपके पैरों में फंस रही है। और जो वॉल पे आप देख रहे हैं पीवीसी पैनल्स होंगे, ये वॉलपेपर नहीं रहेगा, ये सालों साल चल रहे हैं, कोई फिक्र करने की बात नहीं। और ठीक आपके सीधा हम जाते हैं आगे डाइनिंग टेबल के साथ, आपको जो है यहाँ पर टीवी पैनल मिल जाएगा जो कि ब्लैक एंड वाइट कलर के साथ है, स्टोरेज के साथ यहाँ पर रखा है ताकि आप जो है इसका पूरा मज़ा ले सके अपने घर के अंदर। तो बड़ी सी सीलिंग, कंसील लैंप्स और ड्राॅइंग और डाइनिंग की जो लुक्स हैं वो बिल्कुल अलग यहाँ पर नज़र आती हैं, वो होनी भी चाहिए क्योंकि यही वो एरिया होता है जहाँ पे आपके गेस्ट आते हैं और आपको यहीं से कॉम्प्लीमेंट्स मिलने शुरू हो जाते हैं कि आपका घर वाकई खूबसूरत है। तो दोस्तों ड्राइंग और डाइनिंग के बाद हम थोड़ा सा इस तरफ घूमते हैं जहाँ पर हमारा किचन आ जाता है। जी हाँ ठीक है, इस तरफ तो किचन जो है हमने लेंथ में रखा है, एल शेप के अंदर रखा है, लाइट थीम रखी है यहाँ पे, 11 फीट की लंबी रहेगी और 8 फीट की इसकी विड्थ रहने वाली है। तो वाइट है ऊपर नीचे सारा का सारा, सीलिंग पर एक अच्छा डिज़ाइन आपको मिल जाएगा जहाँ पर थीम लैंप आपको मिलेंगे, बड़ी सी विंडो है जहाँ से बाहर का नज़ारा पूरा आता है, और एक अच्छा बड़ा सा काउंटर हमें मिल जाता है।
और ठीक काउंटर के साथ भी जो टाइल है वो भी आपकी ग्रे कलर की है, और बड़े बड़े कैबिनेट्स आपको यहाँ मिलने वाले हैं जो कि ग्लॉसी लुक के साथ है, हाइड्रोलिक्स इसके अंदर मिल जाएंगे, डबल लेमिनेशन है और बड़ी स्पेस है ताकि जो सामान है आपका हर तरह के जार्स जो हैं वो पूरे घर के अंदर आ जाएं और आराम से आएँ यहाँ पर, ताकि आपको कोई सामान रखते हुए सोचना ना पड़े कि हमारा सामान यहाँ पर आ रहा था या नहीं आ रहा है, तो वो चीज़ें जो है यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होती। सीधी गैस पाइप आपकी रहेगी जो बाहर से रहेगी सिलेंडर के साथ, और ठीक यहाँ पर आपके पास जो है ड्रॉर्स स्टेनलेस स्टील का सारा सामान आपको मिलेगा जो कि लाइफ लॉन्ग रहता है, ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, सालों साल चलती है और हैवी होता है ये मटेरियल, जल्दी जल्दी ख़राब नहीं होता, तो जैसा मर्जी आप सामान इसमें रखें तो बेफिक्र होकर रहेंगे। और कलर्स हमने लाइट इसलिए भी रखे हैं ताकि जो है सफाई थोड़ी इजीली हो जाती है इसकी और आपको प्रॉब्लम नहीं होती साफ़ सफाई करने में या वैसे रहने में। और सिंक आपको डबल रहेगा जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो टैप्स हैं वो एक अलग ही लुक के साथ आपको मिलेंगे मूवेबल, जहाँ मर्जी आप इसको मूव कर सकते हैं डिटैच करके यहाँ से, और प्लस से सेकंड यहाँ पर ये दूसरा भी मिलेगा, और थर्ड आपके पास जो है साइड पे हमने आरओ के लिए लगाया है, तो एक अच्छी लुक है जो आपको यहाँ पूरी प्रॉपर मिलती है। और ये चीज़ें मेरे ख्याल से आपने जो हमारे कई प्रीमियम घरों में भी नहीं देखी होंगी जो चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही हैं। तो साउंडलेस सिंक है, और ठीक यहाँ पर अगेन आपके पास जो है कैबिनेट्स आपको मिल जाते हैं, बड़ी शानदार खूबसूरत किचन जिसे कहते हैं वो आपको पूरी प्रॉपर मिल जाती है। तो ये नज़ारा होता है अपनी किचन का, दो या तीन लोग यहाँ खड़े हों तो बड़े फिक्र होकर काम करेंगे, स्वेटिंग वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी, लाइट आप देख रहे हैं हर तरफ से आपके घर के अंदर आ रही है। दोस्तों बढ़ते हैं पहले अपने बेडरूम की तरफ जो कि आपको बड़ा सा मिल जाएगा, जो कि 14x10 की स्पेस हमारे पास है, एक अच्छी सीलिंग, एक अच्छा रूम साइज़ जहाँ पर आपको सारी नीचे जो है वुडन डिज़ाइन के साथ टाइल्स आपको मिलने वाली हैं, और अंदाज़ होता है घर के अंदर जब हम ऐसी चीज़ के अंदर रह रहे होते तो मज़ा ही अलग होता है। तो ठीक यहाँ पर हमारी वार्डरोब है जो कि सीलिंग की हाइट तक रहने वाली है, लाइट कलर्स यहाँ पर भी दिए हुए हैं ताकि लाइट आपकी जो सारी तरफ रिफ्लेक्ट करे, और अगेन यहाँ टीवी पैनल सॉरी वॉलपेपर की जगह आपको पीवीसी पैनल्स यहाँ पर दिए गए हैं जो कि लाइफ लॉन्ग रहने वाले हैं। तो आपका घर जो है आपने एक बार ले लिया, खर्चा एक बार कर दिया, उसके बाद आप बेफिक्र हैं, फ्री हैं। ठीक आपके सामने यहाँ पर भी आपको एक टीवी पैनल मिल जाएगा, विंडो आपको यहाँ पूरी प्रॉपर मिलेगी एक साइज़ के साथ, ताकि लाइट जो है वो आगे से और पीछे से पूरे घर के अंदर प्रॉपर रहे। तो इन चीज़ों का हमने पूरा ध्यान रखा, चाहे वो चीज़ें छोटी हैं लेकिन आपको दी यहाँ पर पूरी प्रॉपर है। वॉशरूम आपके घर के सारे अटैच रहने वाले हैं, ड्यूल टोन के अंदर आपको मिलेंगे, और जितना भी सामान आपको मिलने वाला वो सारा ब्रांडेड होगा, कोई भी चीज़ हल्की नहीं होगी, काम चलाओ कोई काम नहीं यहाँ पर होने वाला। तो जैसे कहते हैं ना कि हमने घर ले लिया उसके साथ डिज़ाइन हमें पूरा मिल गया और क्वालिटी वर्क जो था वो भी पूरा मिल गया, तो वो चीज़ें सारी आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। और दोस्तों इसके अलावा जैसे लोकेशन की बात है, लोकेशन भी आपकी यहाँ पर काफ़ी अच्छी रहती है जो कि ग्रेटर मोहाली खरड़ है। तो खरड़ एक अच्छा एरिया है जो कि हर जगह से कनेक्टेड है, अगर आप दिल्ली से मनाली की तरफ जाते हैं तो आपका रास्ते में आता है, या फिर चंडीगढ़ से अगर आप जम्मू हिमाचल मनाली या फिर अमृतसर जलंधर की तरफ जाते हैं तो भी आपका रास्ते में आता है। तो बड़ी अच्छी जगह है, एक हब है, और आपके इसी लोकेशन के अंदर आपका जो है आपके घर के इर्द गिर्द, मैं कह देता हूँ अगर 2 किलोमीटर के रेडियस के अंदर देखा जाए तो आपको प्रॉपर मार्केट पूरी मिल जाएगी, स्कूल्स आपको पूरे मिल जाएंगे, कॉलेजेस तक आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, हॉस्पिटल्स आपको मिल जाएंगे, गुरुद्वारा साहब, मंदिर, मस्जिद, ये सारी चीज़ें बड़े आराम से आपको यहीं पर मिल जाएंगी। तो एक ऐसी लोकेशन है जो डेवलपिंग है लेकिन सारी चीज़ें ऑलरेडी मौजूद हैं यहाँ पर, तो घर भी आपका रेडी है, सिर्फ हमने यहाँ पर फर्नीचर लेके आना है, बाकी और कोई काम नहीं है। आपको घर देने से पहले हम इसकी जो फिनिशिंग वाला काम है वो आपको पूरा कंप्लीट करके देंगे, ताकि आपको रहने के वक्त आपको ऐसा ना लगे कि कोई चीज़ आधी अधूरी रह गई है, कोई चीज़ कहीं पर कमी है, तो वो चीज़ हम आपके लिए बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। तो जब हम चंडीगढ़ से निकलते हैं तो तकरीबन 8 किलोमीटर की दूरी पर आपको ये घर आपका मिल जाएगा, और यहीं से आपका जो आईटी पार्क मोहाली है वो आपको विद इन 7 किलोमीटर्स आपको मिल जाता है आपके घर से ही। और इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी होगी या फिर कॉलेजेस हैं आसपास, वो आपको 2 किलोमीटर के अंदर मिल जाते हैं। तो चीज़ें सारी आसपास ही हैं, और प्लस जो आपका मॉल है वीआर पंजाब मॉल, वो भी आपके घर से महज आपका 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो आप समझ सकते हैं कि एरिया कैसा है, एक अच्छा एरिया है, डेवलपिंग है, लेकिन चीज़ें आपको सारी पूरी प्रॉपर यहाँ पर मौजूद मिलेंगी। तो दोस्तों दूसरा बेडरूम भी रहेगा जो भी 14 फिट का है, उसके साथ आपका वॉशरूम अटैच आपको मिलने वाला, अगेन एक अच्छी लुक्स के साथ आपको पूरा वॉशरूम मिलता है, काम जैसे मैंने कहा था कि पूरा और प्रॉपर होने वाला है। सहरा की फिटिंग से पूरे वॉशरूम के अंदर या पूरे घर के अंदर तकरीबन हर जगह पर बड़ी विंडो, ताकि वेंटिलेशन आपके घर के अंदर बना रहे, और हर चीज़ का ना पूरा ध्यान यहाँ पर रखा गया है। जैसे मैंने पहले कहा था, आप देखिए यहाँ से बाहर निकलते तो हमारा वॉशिंग एरिया आता है, पीछे लाइट पूरी है आपके घर के अंदर, जैसे कहते हैं ना लाइट आगे से और पीछे से अपने घर के अंदर पूरी आनी चाहिए, तो वो यहाँ पर पूरी आएगी। तो आराम से आप अपने जो घर में अगर एसी लगाना चाहते तो वो आप आराम से लगा सकते हैं। चलिए यहाँ से थोड़ा फिर वापस के अंदर की तरफ चलते हैं,
और घर को जो है हमने डबल स्टोरी बनाया, प्लस इसमें जो स्टेयर्स ऐसे आपने देखा था बाहर से हमने रखी हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस यहाँ पर आसपास हैं तो यहाँ पर रेंटल वैल्यू काफ़ी अच्छी मिल जाती है, तो आपके घर का जो है आपको रेंट भी आता रहे, इसलिए हमने स्टेयर्स जो है बाहर से रखी है। तो प्रॉपर आपको स्टेनलेस स्टील की रेलिंग पूरी प्रॉपर मिलेगी, और प्लस यहाँ जो है आपके पास स्टेयर्स रहेंगे जो कि हमने बिल्कुल लाइट कलर के साथ रखी हैं यहाँ पर, और एक अच्छा मटेरियल आपको हर जगह यहाँ मिलने को देखने को मिलेगा, और प्रॉपर पूरे स्टेप्स रहेंगे, ये भी नहीं है कि बड़े हैं या छोटे स्टेप्स हैं, एक अच्छे लेवल के साथ ही इन स्टेप्स को डिज़ाइन यहाँ पर किया गया। तो ऊपर आते थोड़ी सी बैठने की जगह, और ठीक यहाँ पर आपका जो है बालकनी एरिया, तो ये वो कटिंग है जो मैं नीचे से दिखा रहा था, वेंटिलेशन भी यहाँ से होती है, एक अच्छा डिज़ाइन आपके घर को पूरा देती है, सीएनसी कटिंग है जहाँ से लाइट भी पूरी आएगी और वेंटिलेशन भी है, और थोड़ा सा पर्दा जो अपने घर के अंदर बना रहता है, उसके साथ ये दरवाज़ा जो कि ओल शेप के अंदर है, ओल शेप के अंदर है, और यहाँ पर आपके पिलर जो कि खिड़की के सामने दिए, ये ऑर्नामेंटल है, खर्चा ज़्यादा होता है लेकिन आपके घर की जो लुक्स हैं वो काफ़ी अच्छी आती है, इसके साथ खिड़की आपकी वो शेप में आ जाती है ऊपर से, और ये साइड में आपकी टाइल, तो आसपास के घर भी सारे बने हुए हैं, स्टेनलेस स्टील की रेलिंग है, ग्लास आपका लगा हुआ है, तो आप ये चीज़ें जो थी हम शुरू में नीचे से देख रहे थे तो ऊपर सामने से आके अच्छे से क्लियर हो जाती हैं, तो अपने बालकनी का पूरा मज़ा लेंगे आप यहाँ पर। और ठीक है यहाँ से हम थोड़ा सा अंदर की तरफ बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर की तरफ, तो दोस्तों यहाँ भी हमने वायर मैश डोर पूरा आपको मिलेगा जो कि 8 फीट की हाइट का रहेगा, यहाँ पर भी डिज़ाइनर डोर आपका रहेगा, नॉर्मल डोर नहीं रहने वाला। तो इसे ओपन करते हैं तो हम सीधा पहुँचते हैं अपने बेडरूम के अंदर जो कि 14 फीट का आपको मिल जाएगा, स्पेस अच्छी है, बड़ी सी विंडो है, ये हमने बाहर से भी देख लिया था, और लाइट जो है पूरे घर के अंदर आती है, हालांकि शाम का टाइम है पूरा अंधेरा होने वाला है लेकिन आपके घर के अंदर लाइट जो है अभी भी पूरी और प्रॉपर आ रही है। तो ये फ़ायदा होता है जब आपके आगे और पीछे प्रॉपर विंडो हो, कोई बड़ी बिल्डिंग ना हो तो वहाँ पर रहना थोड़ा ईजी हो जाता है। और ठीक यहाँ पर छोटा सा लॉबी एरिया आपका है, मैं छोटा सा ही कहूँगा क्योंकि स्पेस ज़्यादा नहीं है यहाँ पर, और हमने यहाँ पर जो है आपके लिए किचन डिज़ाइन किया है, और किचन में हमने कैबिनेट्स ऊपर नहीं रखे क्योंकि आपका रेंटल वाला हिसाब है, अगर आप खुद रहते तो यूजली लोग इसको जो है स्टडी रूम में या स्टोर रूम में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो फिर इसलिए हमने इसको जो है आधा छोड़ा हुआ है, इस तरीके से डिज़ाइन किया है यहाँ पर। तो इसके साथ ही हमारा ओपन टेरेस आया था जहाँ पर आप कल अगर आने वाले टाइम में ऊपर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो तो बहुत आराम से कर सकते हैं, और ये स्टेयर जो आपको ऊपर ले जाएंगे। वॉशरूम ने एक तरफ यहाँ पर डिज़ाइन कर दिया है, और बड़े आराम से अपनी जो छत है उसका पूरा मज़ा ले सकते हैं, वॉशिंग क्लोथिंग या फिर सन बाथ आपने लेनी हो तो आपका घर आपके साथ ही है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का घर जो कि 3 बेडरूम हॉल किचन जो आपने देखा 110 गज के अंदर बना हुआ है, चंडीगढ़ के बेहद पास है। घर के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कभी भी कॉल कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके सारे डिटेल्स इसकी चेक कर सकते हो। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों का शेयर कीजिए, अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसे खूबसूरत घर के साथ, तब तक के लिए सत श्री अकाल।